करती हूँ, आप प्रधानमंत्री सीधे बात एमएसपी कानून का अमली जामा पहनाया जाएगा। एमएसपी से नीचे कोई खरीदेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एमएसपी मिलेगी, रहेगी नहीं कहते, ये कह देते एमएसपी हर कीमत पे मिलेगी, उससे नीचे तो फर्क क्या है। मैं मिश्रा जी आपसे पूछूं, उन्होंने कहा कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, और यही बात तो सालों से दशकों से रही। देखिए भाषा के उसमें मैं नहीं जाऊंगा, रहेगी और जो है मिलेगी। मैं समझता हूं कि हमारे किसान नेता मास्टर शिवराज सिंह जी भी बुद्धिजीवी हैं, इतने पढ़े लिखे हैं। मिलेगी, रहेगी, प्रधानमंत्री, सारे मंत्री मीडिया पे चीख चीख के बोल रहे हैं। मीडिया की भी जो रिकॉर्डिंग होती है एक क्लू होता है, एक प्रूफ होता है। अब किस तरह से कोई समझाए, बिल में ये लिखा है, बार बार बोला जा रहा है, इतना निवेदन किया जा रहा है, जो कन्फ्यूजन थी आज वो प्रधानमंत्री ने दूर कर दिया। कन्फ्यूजन इनकी ये थी कि एमएसपी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मुद्दा जो था वो दाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं बोलता हूं प्रधानमंत्री की तरह आप एक कदम आगे सोचिए ना कि एमएसपी से भी बढ़ के आप अपने फसल को कैसे बेचेंगे। एक कदम आगे बढ़िए, वो ये कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, कई बार मैंने कह दिया, आज ही खत्म सारे धरने, सारे दिल्ली बॉर्डर के धरने खत्म। बिल्कुल मिलने चाहिए, 70 साल में 60 पैसे नहीं मिले और आगे भी बढ़ेंगे। किसान 6000 करके मजाक उड़ा रहे हो, मैं बता रहा हूँ आपको, जो ये कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं, ये इतनी मोटी मोटी तनख्वाह वेतन भत्ता ले रहे हैं, ये 6000 रुपए लेना तनख्वाह में, वेतन भत्ता में 6000 रुपए लेना, पेंशन भी 6000, ये नौकरी करने गए, ये चुनाव जीत जीत करके वोट ले ले करके मोटी मोटी तनख्वाह ये बढ़ा लेते हैं चुप जैसी। तो वोट भी तो आप ही ने दिए, हमने कब कहा। मैं तो ये कहता हूँ कि सुनिए, 6000 कम है, लेकिन 6000 से पहले तो कभी 60 पैसा नहीं मिला। लड़ाई हमारी भाइयों की है, अगली बार आप और भी ज्यादा दोगे, बार वोट नहीं देंगे, नोट दोगे, उनको कहां दोगे चोरों को, वो तो वैसे ही आप जानते हो कैसा रहा उनका। तो मैं कब चोरों की बात कर रहा हूं, नोटा तो आपको पसंद ही नहीं आना, दोगे आप मोदी को ही, लेकिन अगर थोड़ी सी परेशानी है तो वो सुलझा लेंगे, मिल बांट के सुलझ। नहीं नहीं बिल्कुल मिलेंगे। आपके पास कौन सी ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें जो ना सपा बसपा वाले आए उनको आपने धुलाई करके और वो जो पाक हो गए, कौन सी गंगा में नहला है? अच्छा ठीक है, एक चीज बताइए 80 के दशक तक इस पूरे हिंदुस्तान की जनता कांग्रेस ही थी, आज 2020 में सारे के सारे बीजेपी हैं। मतलब जनता बदल जाए तो ठीक, और उसी जनता से निकला हुआ नेता बदल जाए तो गलत। अहंकार की बात, एक मिनट, अहंकार की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं थोड़ा पीछे मिश्रा जी के पास भी जाऊंगी और बाकी किसानों के पास भी जाती हूँ। मिश्रा जी ये बताइए ना, वो जो बात कह रहे हैं, इतनी सारी योजनाएं हुई, वो सब धरी की धरी रह जाती है, एमएसपी पर बात आती है। देखिए मास्टर शिवराज सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा, 6000 रुपए हो या 6 पैसे हो, 1 रुपए हो, लक्ष्मी होती है घर में, 1 रुपए लक्ष्मी आ रही है तो अपमान मत करिए। आप बोल दीजिए कि मैं लक्ष्मी का अपमान करूंगा, आप लक्ष्मी का अपमान हो रहा है, आप लक्ष्मी का अपमान करेंगे। अभी इन्होंने ये मान लिया कि अब एमएसपी पे हमें कोई दिक्कत नहीं है, अब एमएसपी पे कोई दिक्कत नहीं अभी है। अभी जो प्रॉब्लम है कि ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा, हम वो भी बताएंगे। अब इनसे मेरा अनुरोध है, हुक्का पी के अनशन खत्म करिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ये लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, गई मैं क्या सॉल्व हो गई है। इन्होंने खुद बोल दिया कि भाई एमएसपी हमें मिलेगी, हमने मान लिया, प्रधानमंत्री सारी लड़ाई तो दाम की थी, एमएसपी की थी। मैं तो बोल रहा हूँ कि दो कदम आगे बढ़ के सोचिए कि एमएसपी से 100 रुपए ज्यादा कैसे मिले आपको, अपने दिमाग में। मैं ये किसानों की सुनेंगे, सुनो, मैं ये प्रवक्ता महोदय जी मेरी बात सुनो, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, हमें 6000 रुपए नहीं चाहिए। 2014 में 4000 रुपए धान बिक रहे थे, आज हमारी आय बढ़ा रहे हो आप, जो 1400 में धान खरीद रहे हो, 6 वर्ष बाद बिजली के बिल आपने दुगने कर दिए, आय बढ़ रही है किसान की दुगनी। आप 2022 में किसान के अच्छे दिन ला रहे हैं कि दुगनी ये 6000 की बात इसलिए की जा रही है कि जब किसान कहता है हमारे बारे में सोच नहीं रहे हैं, तब ये बात कही जा रही है, नहीं कहा जा रहा है, मुझे बताइए ना। नहीं एक बात तो बताओ, ये कब बता रहे हैं ये बात है, ये कहाँ कर पा रहे हैं, बिल्कुल दो पैसे भी मत दो, कहाँ कर पा रहे, लेकिन हमारी फसल की वाजिब कीमत दो हमको, सारी मदद दी जाएगी। सरकारों ने आपको हमेशा मदद की है, बिना कहे आपको मदद करेंगे। ये शुरुआत हो रही है एक नए युग की, दाम बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप तो बैठो, जरा बैठो तो सही, ठीक है, बैठो। सुनो मिश्रा जी रुको, मैं आपसे, किसान की मदद कर रहे हैं, किसान की केसीसी अगर लेट है जाए, आरसी कट रही है,
बिजली का बिल थोड़ा लेट रह जाए तो उसके कनेक्शन काट रहे हैं, उनके खिलाफ FIR रह रही है। ये किसान की आय दुगुनी कर रहे हैं। जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए आप यही चीज है, अगर सरकार इतना कर रही है तो आगे क्यों नहीं करेगी? अगर कोई चीज आपके खिलाफ गलत हुआ है वो बात करेंगे तो सरकार वो भी बात करेगी।